और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जहाँ नजर जा रही है बस पेड़ ही पेड़ है। वापस हम लोग मंदिर में आए हैं, आज अष्टमी है तो रात में नवमी की पूजा होती है, तो बस हम लोगों ने सोचा कि पहले मंदिर में पूजा कर लेते हैं। ये हमारी छोटी मामी, अंदर पूजा करने जाएंगे हम लोग। रितु अब अंदर जा रहा है दिखाने। दिख रहा है कुछ? और अभी हम लोग जा रहे हैं मासी के घर। मंदिर से पूजा करके आने के बाद हम लोगों को भाई लेके जा रहे हैं मासी के घर। कई दिनों से उनका कॉल आ रहा था और हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बहुत कम समय के लिए हम लोग आए थे तो नहीं जा पाना हो रहा था, बट अभी जा रही हूँ मैं। और वहाँ जाने के लिए मिठाई तो लेना ही है, तो रास्ते में मतलब घर पहुँचने वाले थे हम लोग, तो वहीं रास्ते से हम लोगों ने वहाँ से मिठाई खरीदी। उनके लिए भी और खुद के खाने के लिए भी मतलब प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा दूर दोपहर में निकले थे तो खुद के लिए वहाँ से मिठाई ली, खाया पानी पिया और देन हम लोग वहाँ से निकल लिए। बहुत जोर की भूख लगी थी तो हम लोगों ने सोचा कि जहाँ से मिठाई ले रहे हैं वहीं से कुछ खा लेते हैं, और सबके लिए भी मिठाई ऑर्डर किया है, खाएंगे पानी पिएंगे उसके बाद हम अपने यहाँ से क्योंकि यहाँ से शायद 20-25 किलोमीटर और है मासी का घर, तो खा के। इसे देखिए, इसे नींद आ गई तो यहाँ पे सो गया है मेरा बच्चा, थक गया। अच्छा कहो ना कैसी काम। मासी के घर आके हम लोगों ने बहुत गप्पे मारे, मज़ा आया। ये मासी के घर का बाहर का है और गांव में आए हैं, इसका मतलब तो आपको पेड़ पौधे मतलब देख ही सकते हैं आप। अभी तो ये बस सामने का फ्रंट का है, पीछे बहुत सारा बागीचा है। बहुत हम लोगों ने बातें की, बस 2 घंटे के लिए आए थे। मासी का घर एक्चुअली नानी के घर से 70-80 किलोमीटर है, तो जब से मैं आई थी मासी कंटिन्यू कॉल कर रही थी आने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं 2 घंटे मिल लेते हैं। और अभी शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ऑलमोस्ट 80-85 किलोमीटर है यहाँ से नानी का घर। दी आज अपने घर चली गई है नवमी का पूजा करने के लिए, बट मुझे भी जाना था उसके साथ, ऊपर किसी ने जाने ही नहीं दिया। सब इतना फोर्सफुली सबने मेरा बैग खींचोच के रख लिया, सबने बोला कि नहीं कल नवमी का पूजा है घर पे, पूजा अटेंड करके कुमारी खिलाया जाता है, कल नवमी होगा, खिला के प्रसाद खाने के बाद जाना है, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। तो बड़ों का दिल भी नहीं तोड़ सकते, बहुत फोर्सफुली मामा ने बोला कि नहीं जाना है रिंकी तुमको, तो मैंने बोला ठीक है भाई। और मासी भी बुला रही थी तो मैंने बोला कि चलो मासी के यहाँ भी हो आते हैं। दी का घर नानी के घर से 40-45 किलोमीटर दूर है और मासी का घर 80-85 किलोमीटर दूर है, तो होपफुली मैं कल दी के घर जाऊँगी और उसके बाद परसों हम लोग यहाँ से निकलेंगे पटना के लिए, क्योंकि दी का जो टिकट है वो पटना से है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल बहुत हम लोगों ने बातें की, बहुत अच्छा लगता है। छोटे थोड़े दिन के लिए हम लोग आए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कैसे कैसे करके हम लोगों ने टाइम निकाला और आए, और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, सामने से भाई वहाँ से चिढ़ा रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस ये था अपडेट। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं इतना जल्दी कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी नानी घर यूपी साइड में ही है और सभी यूपी में थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते हैं। मतलब मेरी बड़ी मासी यूपी में ही रहती हैं, मेरी दी की भी शादी यूपी में ही हुई है, दी रहती दिल्ली में है बट मतलब उसकी शादी तो गांव साइड में ही हुई थी ना, तो आई थी तो उसने सोचा कि नवमी की पूजा घर पे ही करके जाते हैं, इस रूट में पड़ता ही है उसका घर, तो ऐसे कुछ प्लान हम लोगों ने बनाया और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फन कर रहे हैं हम लोग। आपको शायद मैं हर वीडियो में ये बात बोल रही हूँ क्योंकि वाकई हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। और अब हम लोग निकलते हैं, चलते हैं, थोड़ा एक दो पिक्चर क्लिक करवाएंगे, यादें रह जाती है इसके लिए। और ये प्यारा है अमरूद का पेड़,
तो चलिए पहले थोड़ा सर से एक बार और मिल ले, उसके बाद फाइनल गुड बाय करते हैं अभी। खानो यथा वेद साम सद प्रीदे रचिता पायुर दबदा स्वायस्ते बोला स्वस्ति न इंद्र वृद स्वस्ति न कोघा विश्व वेद स्वस्ति न सात्रयो अरष्टि नेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु जैसा कि आप लोगों ने देखा। जी हाँ, आज रामनवमी है तो आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपके घर भी सब पूजा अच्छे से हो गया होगा, यहाँ भी हो चुका है और मुझे अभी टाइम मिल रहा है अपना फेस दिखाने का। सुबह से बहुत बिजी चल रही थी मैं, आप लोगों ने देखा, इतना सुकून मिलता है ना ऐसे पूजा करा के, कुंवारी खिला के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा गला भी बैठ गया है, हवन वगैरह भी हुआ तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है। दीदी का भी कॉल आ रहा है, मैं यहाँ से लंच करने के बाद निकलूँगी दीदी के घर जाने के लिए, फिर कल हम लोगों की ट्रेन है तो अब जाती हूँ मैं लंच करने, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। जैसा होगा आपको बताऊँगी। और पूरा दिन ऐसे निकल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए चलते हैं पहले लंच करने के लिए। मोबाइल है हो गया, पहले बड़ी देवी खाना खाएगी। वो बिगनिंग में बोला जाता है, बिगनिंग में स्टार्ट करने से पहले तो दो दिन से चल रहा है, बिगनिंग में स्टार्टिंग के टाइम बोला जाता है तो दो दिन से कंटिन्यू चल रहा है ना। क्या करें यार, टेस्टी कैसा हो रहा है? अच्छा खाना अच्छा है हमेशा की तरह, और ये प्रसाद भी तो अच्छा ही होगा। पूरी खीर उनको सब्जी कैसा है? कल गया था ना वहाँ तुझे मौसा जी